पेयजल की व्यवस्था हो, देश के किसानों के लिए व्यवस्था है। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, उन्हें इसके लिए बजट भी मिलता किया है और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, तो ये बहुत ही बढ़ेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के हित में काम करे, तो हमारी सरकार इस तरीके का काम करे। पहले सिर्फ पर आपने विशेष ध्यान दिया है, व्यापारियों को बढ़ावा दिया सर, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो जो लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग नौकरी करेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? सांसद जी एक आखिरी सवाल है, समय के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करेंगे, उनकी अर्निंग होगी, उनके पास पैसा आएगा, तब तो सांसद जी एक आखिरी सवाल है कि बाराबंकी में रेल को भी दो स्टेशन आए हैं वो सौंदर्यीकरण के, एक बाराबंकी एक हैदरगढ़, लेकिन कोरोना काल में गरीबों के लिए जो एक ट्रेन चली पैसेंजर ट्रेनें चलती थी वो नहीं चालू हुई, मेमो ट्रेन जो थी जिसे गरीब यात्री पैसेंजर करते थे लखनऊ जाते थे, आज तक नहीं चालू हो पाई। ऐसे में गरीबों का कहां सुधार हो रहा है? पैसेंजर ट्रेनों का भी तक चालू हो पाया? कब होगा? आज में सिर्फ पैसेंजर नहीं बल्कि सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, और उसके बाद में ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। कुछ दो एक ट्रेनें जो अभी नहीं चल पाई हैं उनके लिए हमने चिट्ठी लिखी है, उसका भी देखा जा रहा है कि किस रेलवे स्टेशन पर कितने सवारियों की का आवागमन हो रहा है, तो उसका एक रेशियो निकाल करके और जो भी ट्रेन चलने में उसको रेलवे विभाग को भी लाभांश दिखाई देगा तो ट्रेन चलाने का। लेकिन लखनऊ कानपुर तक जो चलती थी उसको तो सुचारू रूप से चल रही है, दैनिक पंचवर्षीय योजना से चल रही है और वो हमेशा जारी रहेगी, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कटौती या उसको खत्म करने की जैसी बात नहीं है। किसान सम्मान निधि हर किसान को साल भर में 6,000 रुपये देने का जो प्रावधान था वो इस बजट में भी बिल्कुल, जो भी किसान है नए किसान बढ़ेंगे वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो भी नया किसान बढ़ेगा उसको इस योजना से आच्छादित करना है, लाभान्वित करना है, उसमें कहीं कोई नई बात लाने की आवश्यकता नहीं। सर अखिलेश यादव ने इस बजट को विधायक बजट बताया है और उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है तो उत्तर प्रदेश के बजट पर अखिलेश यादव ने कहा होगा, उनकी भी सरकार थी, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी। 70 साल में इस प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे बने, एक आगरा एक्सप्रेसवे, एक यमुना एक्सप्रेसवे, और 5 साल में योगी सरकार ने 5 नए एक्सप्रेस बना करके उत्तर प्रदेश को दिए हैं। ये है बीजेपी सरकार का बजट, तो अखिलेश यादव कब क्या बोल जाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। सांसद जी बजट को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही, पक्ष उसकी तारीफ कर रहा है और विपक्ष लगातार सवाल या निशान उठा रहा है। अगर बात करें रक्षा की तो रक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मामूली बढ़ोतरी की गई है, 2022 से 2023 के बीच में 6.8% की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% हो रही है, और अगर कहा जाए अगर अर्थशास्त्रियों की बात माने तो इसमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार कई साल तक समानांतर वृद्धि नहीं हो रही है तो ये विकासशील से विकसित की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रक्षा के क्षेत्र में भारत की सेनाओं ने जिस तरीके का काम किया है आप सबके सामने, चाहे वो दूसरे देश में घुस करके आतंकवादियों को मारने का काम हो, चाहे उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम हो, तो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी जितनी सलाह होती है, जिस तरीके के रक्षा विभाग को जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। ये सब रक्षा विशेषज्ञों की सलाह से हमारा बजट बन के तैयार हुआ है। रक्षा और सुरक्षा के मामले में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही हमारी सरकार ने मोदी सरकार हमने अपने संबोधन में कहा कि ये सर्वव्यापी बजट है, देश के किसी भी मतलब समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं, जिसके लिए इसमें व्यवस्था नहीं गई है। जो लोग बहुत सालों से वंचित थे उनके लिए हो सकता है ज़्यादा हो सकता है क्या ज़्यादा व्यवस्था की गई, लेकिन कोई भी वर्ग वंचित नहीं जिसके लिए व्यवस्था ग्रामोद्योग का जो बजट में दिया गया है जिसका सीधा जो लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को, जब वहाँ से भेजा जाता है तो बैंक जाते हैं और बैंक से वो इतनी चीज़ें बता दी जाती है जिसका प्रावधान वो नहीं करते, वापस चले जाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? इस चीज़ का जो ग्रामोद्योग का बजट के पेश किया गया पशुपालन वगैरह इसके लिए वहाँ से बैंक भेजा जाता है, वो बैंक जाते हैं तो बैंक में इतनी चीज़ें बता दी जाती हैं जिसका जो है फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा है कि इस चीज़ को हमारी सरकार ने जितना सरलीकरण किया है आप सबके सामने, अगर कहीं कोई पैसा मिलना होता था तो किसान को तहसील और ब्लॉक के तमाम चक्कर लगाने होते थे, अब कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ करके किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ करके एक बटन दबाते हैं और खाते में सीधे पैसा आ जाता है, कहीं किसी को दौड़ना नहीं है। तो इस तरीके से और भी जो सारी स्कीमें हैं उन पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि किसान को
घर में बैठे बैठे वो ऑनलाइन आवेदन घर से करे, उसको उसका लाभ मिले। अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ये व्यवस्था बहुत सालों से बिगड़ी है तो इसको ठीक करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कई मोर्चों पर कई जगहों पर देखिए इतना सरलीकरण किया गया है कि किसान घर बैठे उसको किसान को घर बैठे लाभ मिल रहा है। सांसद जी, मेडिकल कॉलेज